हिंदू धर्म में प्रत्येक सप्ताह किसी न किसी देवी या देवता को समर्पित है। बुधवार का दिन बुद्धि प्रदाता एवं प्रथम पूज्य देव भगवान श्री गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन गणपति बप्पा की पूजा करने से बौद्धिक क्षमता प्रबल होती है। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के देवता माने गए हैं। इनकी आराधना से न सिर्फ संकट दूर होते हैं बल्कि विद्या में भी वृद्धि होती है। कहा जाता है कि कुंडली में यदि बुध ग्रह नीच या अशुभ स्थिति में हो तो बुधवार के दिन पूजा करने से बुध की स्थिति मजबूत और शुभ होने लगती है। इसके अलावा अक्सर माता पिता की शिकायत होती है कि उनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। यदि आपको भी लगता है कि आपके बच्चे की एकाग्रता में कमी है तो बुधवार के दिन कुछ विशेष उपाय करें। चलिए जानते हैं बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए बुधवार के उपाय। यदि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या पढ़ाई के दौरान बार बार भटकता है तो बुधवार के दिन 11 या 21 मूंग से बने लड्डू का गणपति जी को भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी, साथ ही बच्चा मन लगाकर पढ़ाई करने लगेगा। प्रत्येक बुधवार को स्नान के बाद बच्चे से भगवान गणेश को 11 गांठ दुर्वा को अर्पित करने को कहें। इससे शुभ फल प्रदान होता है, साथ ही इस उपाय से पढ़ाई में बच्चे की रुचि बढ़ती है। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या ज्ञान की कमी है तो बुधवार के दिन गौरी पुत्र गणेश के चरणों में सिंदूर अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद गाय को हरी घास खिलाएं, जल्द शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें। हरे दूब घास की माला, पान नारियल हरे रंग के 11 फल भगवान गणेश को अर्पित करें और गणेश जी की आरती करें, साथ ही पढ़ाई में सफलता के लिए प्रार्थना करें। अपने स्टडी रूम के उत्तरी या पूर्वी दीवार पर माता सरस्वती की तस्वीर लगाएं। ये कार्य बृहस्पतिवार के दिन करें। अब प्रतिदिन माँ शारदा से अच्छी पढ़ाई के लिए प्रार्थना करें, साथ में ओम माँ सरस्वती विद्या देवी नमो नमः मंत्र को जपें। अध्ययन के लिए बैठते वक्त सबसे पहले मस्तक से छुपाकर प्रणाम करें और अपनी कलम को इसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तकों के सामने हाथ जोड़ें और ओम गुरवे नमः मंत्र का उच्चारण करें। इस क्रिया को हर दिन बिना नागा करें और इसके उपरांत ही पढ़ाई लिखाई को शुरू करें। पढ़ाई में सफलता के उपाय में आप ये उपाय भी अपना सकते हैं। प्रति मंगलवार केला, मीठी रोटी, चना और गुड़ बंदर को खिलाएं। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।